ओके, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज है गाइस 30 अप्रैल 2022, और आज मेरा शायद यार तीसरा या चौथा दिन होगा अपना अहमदाबाद में। और फिलहाल बस कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, सुबह के 8:30 बज रखे हैं। और शुरुआत हम करने वाले हैं ढोकला खा के। ढोकला इसे कहते हैं एक्चुअली, मुझे भी आज ही पता चला इसे ढोकला कहते हैं। चटनी है ये, किसी की चटनी है ये लौकी की, लौकी की चटनी। लौकी और वो सब मिक्स है। हाँ, और ये ये तीखी चटनी है, ये पता नहीं किससे बनती है। ओके, और बिहार भाई हमारे खाने लेके आए हैं, ब्रेकफास्ट लेके आए हैं सुबह सुबह। चलो तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आसपास की लोकेशन देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं, क्या होने वाला है, या शायद आज हम सनसिटी साइंस सिटी जा सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो 9:30 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी की तरफ। अभी देखते हैं वहाँ पे कितना टिकट है, कैमरा अलाउड है नहीं है, नहीं होगा तो बड़ी मज़ा नहीं आएगा। मतलब तो यार मैं पुलिस में नहीं रखता हूँ वहाँ, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी तक यार टिकट 200 300 500 ऐसे कुछ टिकट है, देखते हैं चलो अंदर। ओके, तो बेसिकली हम लोग साइंस सिटी के अंदर अभी पहुँच चुके हैं, और ये हमारे विहार भाई गए थे टिकट लेने के लिए और कैश लेके गए थे, तो पता चला कि वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही अलाउड है। चलो अभी देख रहे हैं ऑनलाइन का जरिया देख रहे हैं, और पेमेंट जनरली 499 का एक कॉम्बो है जिसमें आपको अलग अलग जगह आप लोग इजीली जा सकते हो, और उसके अलावा अगर आप सेपरेट लेना चाहते हो 200 200 के ऐसे प्राइसेज हैं, और 50 रुपीज़ एंट्री फी है, तो मतलब कॉम्बो लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो चलो देखते हैं एंट्री शायद यहाँ से होगी मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है। गेट 1 गेट 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइड पार्किंग वगैरह है। अब देखते हैं अंदर क्या है, कैमरा का सीन मुझे भी नहीं पता अभी, तो अलाउड होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। और इस टिकट में 698 हमें पड़ा दो लोगों का, और एक्चुअली इसमें कॉम्बो होता है, कॉम्बो जो था वो सैटरडे और संडे को एक्चुअली बंद रहता है ऐसा बताया गया। तो हम लोग अभी सिर्फ एंट्री का इसमें टिकट था, और उसमें एक्विटिक और रोबोटिक्स वाले जगह पे हम लोग जा सकते हैं। चलो देखते हैं कहाँ क्या है। तो जनरली यहाँ से अभी एंट्री हुई है, और ये यहाँ पर हमें एक मैप दिया गया है, तो मैप लेके ही हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो अभी हम लोग कहाँ पर है, यहाँ पर हम गेट नंबर 2 पे है ना, गेट नंबर 2 पे जिस जगह पे हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। यही है क्या 10 में रोबोटिक्स वाला, ये रोबोटिक्स में यहाँ जाना है हमें, और एक्विटिक है 9th नंबर पे, यानी इसके बगल में ही। ओके, काफ़ी बड़ा है यार, भी फ्री है। फ्री है, चलो फ्री वाले पे तो हम जरूर जाएंगे। चलो ये अच्छा है। हमने अब हमें दिख गया पृथ्वी, तो अर्थ के आसपास हम लोग हैं। अब देखते हैं अभी फ्री एंट्री है नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, गोल गोल बिल्कुल अमेजिंग। यानी जो वेस्ट मटेरियल है उससे मिलके ये बना रखा है, वेल मछली बना रखी है यहाँ पे, इसकी पूँछ है, बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। जो ये कार वगैरह के जो ख़राब पार्ट्स होते हैं उनको लगा के बना रखा है, स्टील वगैरह जो भी फेंक दिया जाता है उससे बना रखा है सब चीज़, बहुत प्यारा लग रहा है वाकई। इस साइड अर्थ जहाँ से हम लोग अभी आए, तो एक्विटी गैलरी है, अब देख के आते हैं क्या क्या सीन है कैसा है। तो अंदर एंट्री करते एक बहुत अमेजिंग सी दुनिया है यार यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात तो एसी चल रहा है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं अंदर से क्या अंदर आप लोग जा सकते हो, इसके बाद ऊपर बैठो, ऊपर भाई यहाँ पे डिजाइन बनाने वाले हम लोग, फिश के फिश बनाना है, आप किसी भी कलर को बना सकते हो। हमने रिसेप्शन एरिया देखा है, आप लोग रिसेप्शन एरिया को कितना जबरदस्त रिसेप्शन एरिया लग रहा है, और ये किसी से ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये। चलो आप अंदर की तरफ चलते हैं। सर मैम हम आपको दिखा रहे हैं, मैम और ये है टाइम
काइकू है और इसको साइंटिफिक नेम है नियोकास्टर कोइपस सेसमस होता है। 10 किलो का होता है, 45 सेंटीमीटर होता है जो सामने। तो एशियन जोन्स के ये फिशेज हैं, एशियन अरवाना क्लाउन का नाइफ फिश, बहुत सारे नेम थे। दीज आर द फिशेज यार। ग्रैंड मोरे ये आज तक डिस्कवरी पे देखा था, आज यहाँ देख रहे हैं। कितनी भीड़ लगी है इस चीज़ के लिए। इसका नाम क्या है, नाम करके आने का? स्ट्रिंग रेट और ऊपर से भी जैसे लगते हैं। ओके, अब एक ऐसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं भाई जहाँ से बिल्कुल जगह जगह दिखाता हूँ। जगह देखो और क्या देखिए, ऐसे दिखने वाला मजा। तो वहाँ पे हमारे भास्कर भाई है, वो वीडियोस बना रहे हैं। फाइनली एक्विटिक एरिया की एंट्री ख़त्म हो चुकी है, एग्जिट में हम लोग आ चुके हैं और इस साइड से हम लोग आए थे, वैसे इस साइड को अब लोग जा रहे हैं। अब हो सकता है शायद यार ये वीडियो बहुत लंबी बने और मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलेगा यार, बिकॉज आप बहुत मज़े करो इस वीडियो को देख के, बहुत मज़ेदार चीज़ है यार। मैंने खुद लाइफ में पहली बार ये चीज़ देखी है और क्या कुछ नहीं मिलता ट्रैवलिंग में। वाओ, या तो हो सकता है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँ या फिर यह भी शायद मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जोड़, देखता कितना लंबा होता है। अगर लंबा हुआ तो मैं एंड कर दूँगा और उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको एंडिंग वाली ही दिखेगी, और नहीं हुआ तो फिर कुछ और करेंगे। तो भी एक्वेटिक एरिया से ख़त्म करके हम रोबोटिक एरिया में जा रहे हैं, शायद रोबोटिक एरिया के देखते हैं कौन सी वीडियो बनती है। ओके, तो एक्वेटिक एरिया के बाद हम लोग जा रहे हैं रोबोटिक्स एरिया में। बहुत ज़बरदस्त था यार, जो भी था मज़ेदार था। देखते हैं यहाँ से रोबोटिक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। रोबोटिक्स गैलरी में एंट्री हो चुकी है, सबसे पहले सामने को ट्रांसफॉर्मर। I am Optimus Prime, and I am here to protect this prestigious gallery. I sent this message to all the visitors to come and explore the exciting world of robotics and take a glimpse into the future. हम लोग आए थे एंड इस साइड से हम एंटर कर रहे हैं रोबोटिक्स एरिया में। हम लोग एंटर हो चुके हैं, इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे टिकट्स वगैरह चेक होते हैं। टिकट्स चेक करने के बाद आप अंदर एंटर कर सकते हैं, अंदर भी रोबोटिक्स एरिया है। कुछ नए लाइक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के लिए कोर्सेज ला रहे हैं, हम इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और काफ़ी सारी नई एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट आवर गैलरी। जो Thank you.
लोकेशन चेंज, आप जा रहे हैं दूसरी जगह पे और अब देखते हैं यहाँ पे क्या नया है। वीडियो की एंडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और होप सो आप सभी को ये जगह बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं अभी चल रहा हूँ, बिल्कुल मन नहीं मेरा ब्रांड का, ऐसा ढकना पड़ता है, मेरे को ओढ़ना पड़ता है। चलिए गुड बाय, टेक केयर।